मारत इनको हम थक गए। कहिंदे हन मारदे मारदे इन्हां नूं असीं थक गए हां, सिंह पता नहीं मुकण नूं ही नहीं आउंदे। मरण मारनों जरा ना डर है, पता नहीं की छकदे हन, मरन ते मारनों रती मात्र भी नहीं डरदे। जरवाणे दा पखण करन नूं सदा तैयार रहिंदे हन, ते धर्म दी खातर सीस तली ते रख के सेवा करदे हन। मौत चिराग पतंगे पर हैं, ते मौत नूं इस तरह अपनी निशावर कर दिंदे हन धर्म तों, जिस तरह साध संगत जी चिराग दीवे ते पतंगा अपना आप निशावर कर दिंदा हन। सतगुर जीआं दे अगे इस तरह कहिंदे हन, महाराज जी माया ता सारा संसार भेट करदा है, अपने सीस दी पेटा गुरु का खालसा चढ़ा दिंदा है। चाहत निस दिन लैन शहीदी, ता कहिंदे हन की इच्छा है, कहिंदे हन रात दिन इन्हां दे विच ए इच्छा प्रबल रहिंदी है, कदो सतगुर जिया तो शहीदी प्राप्त करांगे। धर्म युद्ध दा सदा इन्हां विच चा चढ़िया रहिंदा है। दरत नारण ते हुए करगी दी, महाराज जी उस समय दसदा है, कहिंदे हन रण तो कदे डरदे नहीं, जदो जंग दा मैदान विच हुंदे ने फिर गिदड़ा वांगू नहीं ए भजदे, चाहे कला सूरमा होवे। इन्हां दे गुरु ने ऐसे बचन कहे हन, सवा लाख से एक लड़ाऊं, ए तां कले कले सवा लख ते भारी पैंदे हन, बादशाह नूं दसदे हन। मुर्शद इनका वली पयो है, सुनिया है जेडे इन्हां दे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज इन्हां दे मुर्शद हन, बड़े वली कहे गए हन। इनको आब हयात दयो है, ए भी सुनिया है इन्हां नूं आबे हयात भाव अमृत इन्हां नूं दिता है, जेड़ा अमृत छाके सिंह गिदड़ा तो शेर बन जांदा है, चिड़िया बाजां नाल लड़न लग जांदियां हन। अमृत दा अर्थ ही है मृत, मृत मृत्यु नूं कहिंदे हन, अगे ऐड़ा लगदा है उस तो भाव रहत, अमृत छाके मौत तो बिना हो जांदे हन। जिस ते सुबा बना एह लै है, महाराज जी कहिंदे हन जिस ते सुथा बना एह लै है, वड्या कटिया भी हुंदा है। श्री अमृतसर साहिब जीआं दे सरोवर विच जल छाके फिरे ओहो जे ताजगे हो जांदे हन। सो पलाए लोगन हे पाई, ते एह छकदे हन अमृत, ते अमृत दी शक्ति बादशाह बहुत मनदे हन। साधारण तेले सिंह बनाई, ते साधारण जे मनुख तो ही जेडे कहिंदे हन, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कबू ना पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। जेडे गिदड़ा दी न्याई जीव सन, सदा जुलम सहिंदे सन, ए ऐसा सिख मानदे हन। अमृत छाके साधारण ते सिंह बनाई, सिंह बन जांदे हन, शेर बन जांदे हन। गजब असर हम तिसका देखा, कहिंदे हन बादशाह सुनिया नहीं, जो ए कहिंदे हन ओंदा असीं असर भी देखिया है। बुजतिल होवत शेर बसेखा, तां जेड़े बुजदल सी, जेड़े साडे तो डरदे सी, जिन्हां ने अमृत छकिया है, शेरां दी न्याई सानूं अखां कढ दे हन। रोवण पीटन कभी ना जानत, मानो कि रोना पिटना ता इना सिंघां दे खून विच ही नहीं हैगा। कदे जिस तरह जिक्र आउंदा हन, सिंघ मुए कुणका वरतै है, जदो कोई सिंघ शहीदी प्राप्त करदा है बादशाह रोंदे नहीं। आनंद साहिब पढ़ के कड़ा प्रसाद दियां देगां वरतौंदे हन, मानो कि रोना पिटना ता इना सिखिया ही ना होवे, ऐसा खालसा है। एक अकाल का पाणा मानत, एक अकाल पुरख वाहिगुरु दा पाणा मानदे हन, चाहे दुख आवे सुख आवे, हजूर दी मौज जान के सहारदे हन। ए सुख देह ता तुझै अरादी, दुख भी तुझै त्याई, तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई, दे मुख वाक सिंघां ने सिद्ध कर दिते हन।
बिना वाहिगुरु नाम उचारें। ते साध संगत जी खालसे दे गुण हुण जिस तरह दर्शारे हन वाहिगुरु दे नाम दे उचारण तो बिना कदे ना कुछ मुख मैं एह डारें। ते मुख च कुछ भी नहीं पाउंदे एह रहत मर्यादा विच भी बचन आउंदे हन जेड़े साध संगत जी हजूर दी अमृत गुरबाणी दे बचन हन। जे कोई छकन तो पहला वाहिगुरु भाव जो महाराजियां नू याद नहीं करदा हजूर कहिंदे हन उन्हां दे मुंह विच जानो कि थुकां पैंदियां हन। ऐसे गुरु नानक देव साहिब जी महाराजियां दे वाक हन ते बादशाह नू कह रहे हन बिना वाहिगुरु कह तां इह भोजन नहीं छकदे। धन वाहिगुरु इह कह लै हैं तां धन वाहिगुरु आप रसना तो वार वार कहिंदे हन। बात बात में इह अलै हैं ते गल गल विच इह कहिंदे हन जो गुर करहै सोई थहै। कहिंदे हन जो गुर करदा है ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਫੈ ਨੁਕਸਾਨੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮਾਨੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭਾਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।